दोस्तों, फोर्ट कॉमिक्स की सुपर हीरो लिस्ट में एक जहरीला सुपर हीरो भी शामिल है जो कि नागो और जहर की शक्ति लिए हुए है। दिव्य शक्ति का वरदान लिए यह सुपर हीरो इंडियन कॉमिक्स में सर्प नायकों में से एक है और इसका नाम है विषपुत्र। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमिक्स टॉक विद विजय में। मैं हूं आपका दोस्त विजय कुमार और हम यहां करते हैं कॉमिक सिटी ढेर सारी बातें। और आज हम फोर्ट कॉमिक्स के सुपर हीरो विषपुत्र की ओरिजिन स्टोरी पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो से आप नोटिफाइड रहें। हम ऐसे ही सुपर हीरो और कॉमिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो और आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फोर्ट कॉमिक्स में विषपुत्र की पहली कॉमिक्स थी इशू नंबर 11 महाडाइजेस्ट जुर्म से जंग। संपादन किया था अजय कुमार गुप्ता जी ने, लेखन है महेश दत्त और विनय मोहन का और चित्रांकन किया है कैमियो आर्ट्स ने। स्टोरी की शुरुआत होती है शताब्दीपुरम नाम के शहर से, जहां की जनता अपने सुपर हीरो का इंतजार कर रही थी जो कि था विषपुत्र। कौन है ये विषपुत्र और कहां से आया है, चलिए ये जानने के लिए हम चलते हैं करोड़ों साल पहले की ओर, जहाँ पर एक समय आतंक का दूसरा नाम था महाराक्षस विषासुर। अपनी घातक और जहरीली शक्तियों से उसने पृथ्वी पर हाहाकार मचाया हुआ था। इसी तरह उसने महर्षि शंखचूर्ण को अपना शिकार बनाना चाहा, लेकिन महर्षि के तपोबल से वह जीत नहीं पाया। उसने दया की भीख मांगी, महर्षि का दिल पसीजा और उन्होंने विषासुर को सदमार्ग में चलने का आदेश दिया। विषासुर ने माता कपालभद्रा की तपस्या शुरू करी। करोड़ों वर्षों की तपस्या के बाद माता कपालभद्रा ने उसे नया शरीर और शक्तियों के साथ एक नया नाम दिया, विषपुत्र का। इसके बाद से ही विषपुत्र का कहर अपराधियों पर गिरना शुरू हो गया। विषपुत्र राक्षस राज विषासुर का पुनर्जन्म है। इस कारण विष की शक्तियाँ उसे सूर्य से ही प्राप्त है। साथ ही माँ कपालभद्रा ने कुछ देव शक्तियाँ विषपुत्र को प्रदान की है। विषपुत्र के पास है घातक जहरीली मकड़ा शक्ति जो कि दुश्मनों में जहर का आतंक मचा देती है। विषपुत्र की शक्ति विष बम का प्रहार अपराधियों की चिथड़े उड़ा देता है। विषपुत्र खड़ी दीवारों पर भी वैसे ही चढ़ पाता है जैसे कि जमीन पर वह चल पाता है। विषपुत्र में असीम शक्ति और बिजली सी तेजी है। विषपुत्र अपने आकार को घटा या बढ़ा सकता है। विषपुत्र के विष जाल से बचना नामुमकिन होता है। तीव्र सम्मोहन शक्ति भी विषपुत्र के पास है। जुर्म की जंग कॉमिक्स में विषपुत्र का सामना प्रोफेसर नागमुकुट और उनके आविष्कार विषराज भरभेटा और झिंगरफुट से होता है, जिसका खात्मा विषपुत्र कर देता है। इसके बाद नागमुकुट की बहन सर्पिका, जो कि अत्यंत नीली और कई शक्तियों की मालकिन थी, विषपुत्र को खत्म करने आती है, लेकिन वह भी विषपुत्र से जीत नहीं पाती। लेकिन विषपुत्र भी उसे दया करके जीवन दान देता है और सर्पिका हमेशा विषपुत्र का साथ देने का प्रण करती है। फोर्ट कॉमिक्स में विषपुत्र की कुल दो कॉमिक्स ही प्रकाशित हो पाई थी। सही स्टोरी के अभाव और फोर्ट कॉमिक्स के बंद होने के कारण यह सुपर हीरो भी समय धारा में कहीं खो गया। तो दोस्तों, यह थी विषपुत्र की एक छोटी सी वीडियो उसकी ओरिजिन स्टोरी पर। और अगर आपने विषपुत्र की कॉमिक्स पढ़ी हो तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो जैसे भी पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। साथ ही ऐसी ही कॉमिक्स रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड कोई फैक्ट्री सुझाव अगर आपके पास हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएँ। साथ ही ये भी बताएँ कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। इस वीडियोज़ में कोई फैक्ट अगर हमसे मिस हो गया हो तो वो भी आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं। हमसे और भी अपडेट लेने के लिए आप हमारी फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल में भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।